लेट्स स्टार्ट विद द त्रिगो इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज त्रिगो इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो त्रिगो इक्वेशन क्या होता है कि नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे 2x + 1 = 4, राइट। तो सॉल्व क्वेश्चन अगर आए तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालना जो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करे, राइट। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, यही मतलब होता है इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी कि जो वेरिएबल आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा, जैसे 2 sin x + 1 = 0, राइट। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, राइट, हमें sin x नहीं चाहिए, राइट, हमें x चाहिए, x इज अ वेरिएबल यहाँ पे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या जाता है, x की वैल्यूज बताना जिसके लिए ये वाली जो इसकी इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, दैट्स इट। इस चीज को बोलते हैं त्रिगो इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्विंग द त्रिगो इक्वेशन, ठीक है। पहले एक्चुअली में ये जो इसका पहले मेरे को बेसिक पार्ट तुम्हें बताना पड़ेगा, बेसिक पार्ट एक्चुअली में इसका सिलेबस का पार्ट होता था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ड्यू टू कोविड सिलेबस से हटा दिया गया था, ठीक है। तो हमें पहले इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट देखना होगा, फिर इसके जो मेंस के एडवांस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिर उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ लगेगा नहीं हमारा, ठीक है। लेकिन यस, कुछ चीजें हमें यहाँ पे समझनी है कि जैसे अगर मैं साइन एक्स इज इक्वल टू वन की बात करूं, ठीक है, चलो पहले मैं साइन एक्स इक्वल टू हाफ की बात करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो हम जनरली बोलते थे 30 डिग्री, तो पाई बाई 6, तो क्या सिर्फ ए की वैल्यू जहाँ पे 1/2 होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे साइन का ग्राफ देखिए, ग्राफ यहाँ पे हमारी बहुत हेल्प करेगा, अगर ग्राफ आपको समझ में आया हुआ अभी तक तो ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए ये वैल्यू होती है 1, तो हाफ वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक, कहाँ कहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे दैट इज पाई बाय 6, एक यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है, पाई से पाई बाय 6 पीछे आए तो 5 पाई बाय 6, ये वाली वैल्यू ये क्या है, 2 पाई से पाई बाय 6 आगे गए, ठीक है, तो 2 पाई + पाई बाय 6 दैट इज 13 पाई बाय 6, ये 3 पाई से पाई बाय 6 पीछे आए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 17 पाई बाय 6, फिर ये 4 पाई से 5 पाई बाय 6 आगे गए तो ये आ जाएगा 4 पाई + पाई बाय 6 तो 25 पाई बाय 6, फिर अगला ये वाला वैल्यू, ठीक, 6 पाई - पाई बाय 6 करेंगे तो 29 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से और भी वैल्यूज आगे भी आएंगी पीछे भी आएंगी, ठीक है, पीछे भी आएंगे, तो ये कितनी वैल्यूज आएंगी, राइट, ये इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, इस तरफ जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, इस तरफ भी जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो इन सारी वैल्यूज को एक इक्वेशन के थ्रू डिनोट करना, राइट, एक ऐसी इक्वेशन ढूंढना जो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे, ठीक, उस इक्वेशन को बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे इस चीज का जनरल सोल्यूशन, इस चीज का जनरल सोल्यूशन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसी का आंसर एक्चुअली में होता है, कहां से आया कैसे आया वो मैं अभी बात करूंगा, पूरा A to Z में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका एक्चुअली में आंसर होता है हमारा (n π + -1)(n π/6). अब ये जो वैल्यू है एक्चुअली में, ये वैल्यू जो है ये सारे के सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू z, z मींस इंटीजर्स। अब देखो एग्जांपल के लिए, जैसे n को 0 पुट कर दिया, तो n को 0 पुट करके क्या जाएगा, ये 0 बन जाएगा, -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 6। तो x, n को 0 रख के x की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 6। अच्छा n को 1 रखो, तो 1 रख के क्या आ रहा है, पाई -1 की पावर 1, तो दैट इज -π/6, तो पाई -π/6 दैट इज 5π/6। तो देखो ये दोनों वैल्यूज आ गए, 0 और 1 रख के ये दोनों वैल्यूज आ गए। अब n को 2 रखा, तो 2 रख के क्या आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2π -1 की पावर 2 दैट इज +1, तो 2π + π/6, तो 2π + π/6 क्या आ जाएगा, ठीक, ये। फिर n = 3, ठीक, n = 3 से, अब n = 3 से क्या आ जाएगा, इधर 3 रखा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3π, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस, तो -π/6 हो जाएगा, ठीक है, -π/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, अब ध्यान से देखो ये क्या वैल्यू, ये सारी की सारी, तो इस तरीके से और भी n की वैल्यू डालूंगा, नेगेटिव डालूंगा, पॉजिटिव डालूंगा, ये सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमारा मकसद पता क्या होता है, ये चीज निकालना, यहां तक पहुंचना, तो ये बेसिक पर्पज है हमारा,
ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तुम्हें यहां तक लेके जाऊंगा, ठीक। तो आई होप ट्रिगो इक्वेशन का बेसिक चीज समझ में आई, ट्रिगो इक्वेशन होता क्या है, करेंगे कैसे वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, बट होता क्या है अभी तक मैंने सिर्फ वो चीज समझाई है, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू ढूंढना। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि अपने आपको रिपीट करता रहता है ना 360 डिग्री के बाद, तो अगर अपने आपको रिपीट कर रहा है तो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो भी रिपीट करती रहेगी, वो भी रिपीट करेगी, वो भी रिपीट करेगी, राइट। तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा, तो वो सारी की सारी इनफाइनाइट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना। अब देखो यहाँ पे एन जो है इंटीजर है, कितने इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर, तो वो इनफाइनाइट इंटीजर जब इधर डालोगे तो ऑब्वियसली एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, वो इनफाइनाइट वैल्यूज को ये एक सिंगल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आएगा कहां से, कैसे आएगा, ये सारी चीजें। अब इसके लिए सबसे पहले हम अपना बेस तैयार करते हैं, ठीक। बेस क्या है इसका, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू वन, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इनका क्या सोल्यूशन आएगा, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली में सिर्फ ये देखना होता है, ये दोनों भी उसी से आ जाते हैं, बट ठीक है, हम तीनों के तीनों देख रहे हैं, क्या ग्राफ से क्या हम ये तीनों चीजें एनालाइज कर सकते हैं, अगर तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। ध्यान से देखना, ये एक कर्व, ये दो कर्व, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक, लेट्स मार्क इट आउट, यहाँ पे हो रहा है, राइट, यहाँ पे हो रहा है, 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 क्या वैल्यूज हैं ये, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, माइनस पाई, एंड ऑल दैट, राइट। तो इसको बोलते हैं पाई का मल्टीपल, देखो जीरो इंटू पाई, वन इंटू पाई, टू इंटू पाई, थ्री इंटू पाई, फोर इंटू पाई, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन पाई, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई। अब ये इसके बाद, आज के बाद आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है, कि n पाई जो होता है इस पे हमारा sin x जो होता है ये जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, यहां पे n पाई ना ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, याद है हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल, ठीक है, जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करना सीखते थे, तो क्या आता था, देखो जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180, चलो पाई की फॉर्म में बताता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जीरो पाई बाय टू पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, एंड सो ऑन। तो देखो ये वाले जो एंगल्स हैं क्या हैं, 0π, 2π, 3π, 4π, सो ऑन। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स एक्चुअली में जो होते हैं हमारे, राइट, वो n पाई होते हैं, और हॉरिजॉन्टल एंगल पे हमेशा हमारा साइन जीरो होता है, याद रखना। ऐसे ही ये आगे तुम्हारे लिए हिंट है, वर्टिकल एंगल पे cos जीरो होता है, लेकिन वर्टिकल एंगल को लिखेंगे कैसे वो भी मैं थोड़ी देर में। तो sin x जो जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बोल लो या n पाई बोल लो, दैट्स इट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अभी तक, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अर्शिया, अर्पित, अरमान, राजवीर, साहेब, तनिष, तुषार, प्रणव, नो सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी फिर इशिका, Yes, sir. इसका साइन एक्स इक्वल टू वन, इसका क्या करोगे, वन पे पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू आते हैं। देखो एक वन आता है पाई बाय टू, बिल्कुल सही, लेकिन थ्री पाई बाय टू पे इसका माइनस वन आता है, हाँ। वो गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइट वन, बिल्कुल सही, टू पाई प्लस पाई बाय टू, ठीक है, तो एक आ गया पाई बाय टू, फिर आ गया 2π प्लस π बाय टू, फिर अगला यहां पे आएगा, और ये वाला एंगल क्या है, 4π प्लस π बाय टू, बात समझे, yes, sir. यहां पे देखो π बाय टू तो आएगा आएगा, लेकिन π बाय टू, अब ये देखिए वापस 360 आगे जाइए फिर आ गया, फिर 360 2π आगे जाइए फिर आ गया, फिर 2π, तो 2π आगे जाने पे आता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे 2π का मल्टीपल, तो इसको लिखेंगे 2nπ, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो इधर n को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, π बाय टू, तो वो आएगा आपका ये वाला एंगल, एन को वन पुट करो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस टू पाई, वो आ जाएगा ये वाला एंगल, फिर एन को टू पुट करो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस फोर पाई, वो आ जाएगा आपका ये वाला एंगल,
आई होप ये चीज क्लियर हुई राइट। तो ये सारे के सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है अच्छा प्रणव, यस सर। प्रणव पिछला ये क्लियर हुआ sin x इक्वल टू 1 का? हाँ जी हाँ जी भाई। अगर ये sin x इक्वल टू 1 का क्लियर है तो भाई प्रणव ये बता sin x इक्वल टू माइनस 1 का क्या जाएगा? फिर उसमें आएगा 3π/2 प्लस 2, 3π/2 उसके बाद आएगा 3π/2 प्लस 2π। हाँ तो लेकिन जनरलाइज क्या है? तो जनरलाइज जा जाएगा फॉर्म में 2 एक सेकेंड n π प्लस 3π/2। एन पाई क्यों? देख इसके अंदर अगर मैंने n को 1 पुट किया तो ये चला जाएगा पाई प्लस 3π/2, लेकिन हमें तो पाई प्लस 3π/2 नहीं चाहिए, हमें 2π प्लस 3π/2 चाहिए। बात समझ रहा है? ओके 2π/2π। हाँ क्या हुआ फिर? 2n+3π/2 2n π। पाई भी तो आएगा, 1, 2, 3 पुट करेगा ना, पाई तो आएगा, आएगा साथ में। बेसिकली देख यहाँ पे ना इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि इस चीज का ना मतलब नहीं समझ आ रहा हमें, ठीक है ना? प्रणव ध्यान से सुन मेरी बात। देख 2π क्या होता है? 180 या 360? जल्दी बोल। 180 360। माइक ऑन रख, ठीक है 360। अब देख इसको n से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? देख n को जब मैं 0 रखूंगा तो आ जाएगा 0 × 2π, 1 रखूंगा तो 1 × 2π, फिर 2 × 2π, 3 × 2π, 4 × 2π, 5 × 2π, 6 × 2π, सो ऑन। बात समझ रहा है? हाँ जी। राइट तो कहने का मतलब पता क्या है कि 2n × 2π का मतलब क्या है? 2n π। तो दिस इज नथिंग बट इसको मैं क्या बोलता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2π। n जिसके साथ लग गया वो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ दैट। अगर 2x लग गया तो इसका, सॉरी nx लग गया तो इसका मल्टीपल ऑफ x, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, x, 2x, 3x, 4x एंड सो ऑन। बात समझ रहा है? हाँ जी। ठीक है ना? तो इसलिए 2n π का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ 2π। और यहाँ पे 2π, तेरे को पता है 2π क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 3 ये जो sin x होता है ये अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट करता है? 180 कितने एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करता है? 2π, 360 डिग्री। तो इसलिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बाद कब आ रही? देख ये रहा तेरा 0 से 360 डिग्री, ठीक है, ये वाला ग्राफ। बात समझ रहे? इसके बीच में माइनस वन कब आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है भाई, एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा, वो है ये बार। हाँ या ना? इसके बाद दोबारा कब आएगा ये वाली वैल्यू? 360 डिग्री के बाद। क्यों? क्योंकि ये 360 के बाद ही अपने आप को रिपीट करेगा। तो 360 के बाद का मतलब क्या है? 2π के बाद, उसके बाद फिर से 2π, फिर से 2π, फिर से 2π, यानी कि दोबारा दोबारा किसका मल्टीपल आता जा रहा है? 2π का। तो इसे ऐड करेंगे। बात समझ में आई? हाँ जी। ये चीज समझा अभी, ये तीनों के तीनों? हाँ जी। ठीक है अरमान, क्लियर हुआ? अरमान ठीक ठीक ठीक। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ठीक कि ये तो sin x का हमने देख लिया, ठीक है, फिर हमने देखा cos x का। तो cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ओके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं cos x का ग्राफ बनाता हूं। भाई आवाज बहुत कम आ रही है। ओके लेट मी सी, एक सेकंड। सबसे पहला cos x इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या है? सर cos x इक्वल होगा इस पे π/2 पे, ये तो एक एंगल आ गया, और 180 सर 360 प्लस कर देंगे मतलब 2π। देख 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 ध्यान से। अब ना यहीं पे मैं थोड़ा सा फर्क समझाऊंगा, ठीक है। चलो एक मैं बेसिक फर्क समझाता हूँ, ठीक है, ये cos x की बात में बात आती है, ये पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो जो मैंने sin x का बोला था ना कि 360 ऐड कर देंगे, ठीक है, तनिष्क माइक ऑन रख, ठीक है। हाँ तो भाई देख जो मैंने बोला था ना 360 ऐड कर देंगे, वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो जरा। अब देख अगर तो वैल्यू 1 आ रही है तो 1 वैल्यू के अंदर 360 ऐड कर दूंगा तो बिल्कुल चलेगा, 360 ऐड कर दूंगा तो बिल्कुल चलेगा। बात समझ रहा है? लेकिन अगर वैल्यू आ रही है
जीरो, तो जीरो के अंदर 360 होगा तो भाई ये वाली वैल्यू मिस हो जाएगी, 180 प्लस कर लो, तो थोड़ा फर्क समझा ना क्या हुआ, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं हाफ वैल्यू देखूं तो ये वाली हाफ के अंदर 360 ऐड कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, अगेन ये वाली वैल्यू मिस हो जाएगी, हाँ जाना, हाँ जी सर, राइट। तो पंगा समझ रहा ना क्या हो रहा, अब इन दोनों के बीच में 180 का डिफरेंस नहीं होता, अब मैं 180 नहीं ऐड कर सकता, तो ऐसे हर एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ तो जनरलाइज होगा ना करने के लिए, तो जी सर, तो ध्यान से सुनियो अभी मेरी बात, क्या हो रहा है, कब 360 डिग्री ऐड कर सकता है, एक ऐसी वैल्यू के लिए 360 डिग्री ऐड कर सकता है जो सिर्फ इसके अंदर एक पूरे के पूरे साइकिल के अंदर एक ही बार आ रही है, एक से ज्यादा बार नहीं आ रही, जैसे प्लस वन एक ही बार आ रहा है, यहां इसके अंदर अंदर प्लस वन और कभी भी नहीं आ रहा, बात समझ रहे, हाँ या ना, यस सर, ऐसे माइनस वन एक ही बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, एक टाइम ही, तो बस इन दोनों के लिए 360 ऐड कर सकता है, तो बात समझ रहे, हाँ जी सर। लेकिन अब ध्यान से सुन कि अगर कोई वैल्यू आ रही है जैसे 1/2, अब इसके लिए अगर मैंने 360 डिग्री ऐड किया तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिस हो जाएगी, अब मेरे को इसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं एक साइकिल के अंदर उन सबके अंदर 360 ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो पाई बाय सिक्स आ रहा है और ये 5π/6 आ रहा है, तो पाई बाय सिक्स के अंदर भी 2π ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर भी 2π ऐड करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, तब जाके मेरी कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी, ओके सर, ठीक है। अब वही चीज इधर आ रही है कि जीरो जो जा रहा है भाई, जीरो जा रहा है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये है 90 डिग्री पाई बाय टू, ये है 270 डिग्री 3π/2, बात समझ रहे हैं जी सर, तो 90 डिग्री वाला जो है इसके अंदर 360 डिग्री ऐड करके ये वाला आ जाएगा, और 270 वाला जो है इसके अंदर 360 डिग्री ऐड करके ये आ जाएगा, तो कोई भी वैल्यू मिस नहीं हुई, बात समझा, ओके सर। तो क्या रूल रहा कि ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है वन साइकिल, इस वन साइकिल के अंदर आने वाली सारी वैल्यूज को पकड़ना है और उनके अंदर 360 डिग्री ऐड करते रहना, वो इससे कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी, ठीक है सर, मतलब ग्राफ की हेल्प से होगा ना, एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे देख एक साइकिल के अंदर माइनस वन सिर्फ एक बार आ रहा है, हाँ या ना, हाँ जी सर, 360 एक ही बार, एक ही इस वैल्यू के अंदर 360 ऐड करता रहा, 2n पाई ऐड कर दे, बस बात खत्म, समझ रहे हैं ना बात, हाँ जी, हाँ जी। अब ये जीरो कहां कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है भाई, ध्यान से सुनना ये सारे के सारे बच्चे प्लीज, पाई बाय टू पे तो 1 × π/2, 3π/2 पे तो 3 × π/2, ये वैल्यू होती है 5π/2, तो ये आ जाएगा 5 × π/2, फिर अगली वैल्यू होती है 7π/2, तो 7 × π/2, फिर 9 × π/2, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो ये क्या चीज जा रही है, ये हो रहा है हमारा ओड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय टू, तो इसको बोलेंगे ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, हाँ जी, क्लियर हुआ तनिष, यस सर, पक्का, हाँ जी सर, तुषार क्लियर हो रहा है, तुषार भाई क्लियर हो रहा है, साहेब, राजवीर, यस सर, ठीक है, अरमान, यस सर, अरमान, अनीश क्लियर हो रहा है, अनीश, ओके ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब 2n जो होता है ये भाई 2 जिसके साथ आ गया वैसे भी वो क्या होगा, इवन नंबर, तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2n प्लस 1 नंबर के अंदर अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो ओड बन जाएगा, तो ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बात समझ आई, ठीक है। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, ओड नंबर पकड़ूंगा उसको पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तनिष क्लियर हुआ ये, ओके सर, मतलब हमेशा 2n प्लस 1 के साथ ही करना है ना, हां, तो बेसिकली ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, हां जी ठीक है, ठीक है ना, तो इसलिए ये जो चीज जाएगी हमारी यहां पे, ठीक, cos x इक्वल टू 0, ये क्या जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 x इक्वल टू, बात समझे, तो इस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2n प्लस 1 की जगह मैं 2n माइनस 1 भी कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि देखो इवन नंबर के अंदर एक आगे ऐड करूं या एक पीछे लेके आऊं तब भी तो ओड ही आएगा दोनों तरफ, तो 2n प्लस 1 हो जाए या 2n माइनस 1 हो जाए दोनों ओड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बोलो या 2n माइनस 1 पाई बाय 2 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब एक और चीज, अभी मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल की बात की थी, तो एक्चुअली में क्या होता है, याद रखना हॉरिजॉन्टल एंगल पे हमारा साइन जीरो होता है और वर्टिकल एंगल पे कॉस जीरो होता है, और ये वर्टिकल एंगल क्या है तुम्हारे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ध्यान से देखो जरा,
वन इंटू पाई बाय टू, थ्री इंटू पाई बाय टू, फाइव इंटू पाई बाय टू, सेवन इंटू पाई बाय टू, सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कोस एक्स जीरो होता है वो कहां पे होता है, वो वर्टिकल एंगल्स पे जीरो होता है, राइट। तो दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे जीरो होता है, ठीक है। अच्छा प्रणव माइक ऑन करो भाई, इसका क्या जाएगा फिर, कोस एक्स वन कब जाएगा, ध्यान से सोच के बोलना, गलत नहीं होना चाहिए। एन बाय पे एन को वन पुट कर क्या आ जाएगी वैल्यू, एन को वन पुट किया तो हमारे पास पाई आ गया, पाई पे क्या होता है कॉस, जल्दी बोल पाने पाई पे जीरो, 180 डिग्री पे, देख ये जीरो है ये पाई है, तो पाई पे क्या वैल्यू आ रही है, ओके ओहो। तो इसलिए मैंने दोबारा बोला तेरे को सबसे पहले ही, सोच के फिर बोल भाई, गलत नहीं होना चाहिए सब कुछ, 2n पाई, परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो ये वाली वैल्यू आ रही है जीरो, ये वैल्यू आ रही है टू पाई, फिर आ रही है फोर पाई, तो टू पाई ऐड करते रहो, तो बेसिकली एक्स क्या जाएगा तुम्हारा, टू एन पाई। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा साहेब, यस सर, भाई माइनस वन कब जाएगा, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस वन कब जाएगा, आवाज कट रही है साहब, दोबारा बोल, अच्छा अब n को देख, यहाँ पे वैल्यू पुट कर n को वन, क्या चला जाएगा सर, टू पाई, तो वो तो नहीं चाहिए, टू पाई पे तो वन होता है, माइनस वन नहीं होता है ना, एक मिनट बस सर, एक मिनट, कर 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 आराम से, टाइम दे कर, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी भी ट्राई करो, माइनस वन कब आएगा सर, एन प्लस वन टू पाई, एन प्लस वन इंटू टू पाई, ठीक है। अच्छा एन को जीरो पुट करके आ जाएगा सर, ठीक है सर, ठीक है ना, फिर गलत हो गया, एन माइनस वन, एन माइनस वन, n minus 1 pi into 2 pi, नहीं, ना ना दिमाग लगाओ, ये तुम्हें बोलना है, अब इसके रिलेटेड जितना तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए वो पता है तुम्हें सारी, तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम सबके लिए है, सोचो क्या जाएगा, 2n plus 1 pi यार अब ये चीज सोचो, ठीक है, तुम में और एशिका में क्या फर्क है, क्यों वो पहली बार में बता देती है सारा कुछ, ज्यादा दिमाग लगा रही है वो, उसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, सेम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको भी मैं, तुम लोगों को भी, ठीक। तो भाई इन चीजों को समझो, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे जब ये बेसिक चीजों को नहीं समझोगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्टिल बीच में यू नो हर्डल बन के खड़ी है तुम में और जो चीज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सोचो इन चीजों के, ठीक है। तो देखो अच्छा चलो एशिका से पूछते हैं, एशिका आपने कैसे निकाला ये चीज, ऑड आ रहे हैं सारे और पाई आ रहे साथ में, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो देखो ये चीज क्या, ये अगर ग्राफ कम पड़ रहा है ना तो बड़ा ग्राफ बना लो, ठीक है, ध्यान से देखो जरा ये चीज, यहाँ पे ये चला गया पाई, टू पाई, फिर थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई एंड सो। अब देखो माइनस वन जा रहा है पाई पे, थ्री पाई पे, फाइव पाई पे, सेवन पाई पे, तो क्या आ रहा है, वन इंटू पाई, थ्री इंटू पाई, फाइव इंटू पाई, सेवन इंटू पाई, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, राइट, तो दैट मीन्स टू एन प्लस वन इंटू पाई जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं करना, तो ये सोचो कि पूरे एक साइकिल के अंदर ये एक ही बार आ रहा है पाई पे,
तो उसके बाद 360 के बाद रिपीट करेगा यानी कि 2n पाई। तो अब देखो पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2n प्लस 1, तो देखो इससे भी वही चीज जा रही है, तो दो दो मेथड थे हमारे पास करने के। हाँ जी साहब क्लियर हुआ? यस सर। प्रणव ये बोलना तो था भाई, ये नहीं बोला था तूने, तूने कुछ और बोला था, यही बोलना था। अच्छा नहीं फिर शायद मेरे को नहीं अच्छे से सुन लिया, अगर ये बोला था तो बिल्कुल सही है, फिर बिल्कुल सही है, थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, साइन का ये तीन चीजें देखी हैं, ठीक ये पूरे के पूरे जनरल सॉल्यूशन है, सारे के सारे इनफिनिट वैल्यूज, ये कॉस के। अच्छा अब क्विकली टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, चलो पहले जीरो, टेन एक्स इज इक्वल टू वन, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ये कब होगा, मैं टेन का क्विकली ग्राफ बना देता हूं ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए। ठीक है ये पाई बाय टू, ये जीरो माइनस पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, टू पाई, ठीक फाइव पाई बाय टू, थ्री पाई, आई थिंक इनफ है, ठीक है इनफ है, तो ऐसे माइनस पाई। ठीक है तो अब बताओ टेन एक्स इक्वल टू जीरो कब जाएगा, ओपनली बोलो सारे क्या जाएगा, क्या लग रहा तुम्हें? परफेक्ट परफेक्ट, एक ये 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 ये, तो क्या जा रहा 1 into pi, 2 into pi, 3 into pi, 4 into pi, तो x equal to n pi। अच्छा इसका मैं ना ऐसे भी देख सकता हूँ, ये क्या होता है sin x by cos x equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना बेसिकली sin x equal to 0, तो जहां जहां पे sin x 0 जाएगा ना वहां वहां पे tan x 0 जाएगा, और sin x कहां पे 0 जाता अभी हमने देखा n pi, तो इसका और sin x का सेम आंसर आता है n pi। ठीक है अच्छा अब क्विकली सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि tan x का ग्राफ कितने एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, tan pi, हाँ 180 डिग्री, अब यहाँ पे 2 पाई नहीं आएगा। ठीक है तो अब मेरे को ये बताओ प्रणव कि tan x की वैल्यू 1 कब आएगी, सबसे ये फर्स्ट एंगल बता दो कौन सा होगा, pi by 4, परफेक्ट यहाँ पे वैल्यू 1 जा रही है, ठीक फिर से ये 1 कब जा रहा है यहाँ पे, फिर से 1 कब जा रहा है यहाँ पे, फिर से 1 कब जा रहा है यहाँ पे, और ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है अपने आपको जल्दी, पाई पाई फिर पाए फिर पाए, तो इसका क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी पाए बाय 4, ऐड करते रहो n पाए, परफेक्ट अब पाई का मल्टीपल आएगा तो ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ सारे सबको, यस सर राइट, अच्छा ओके तो अब राजवीर, राजवीर माइक ऑन है, राजवीर Yes, sir. राजवीर 10x equal to minus 1 जल्दी, जल्दी 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 बाबा, क्या जाएगा राजवीर, हो रहा है या नहीं हो रहा बता दे, हाँ जी राजवीर आवाज नहीं आ रही, हेलो चल रुक जा रुक जा रुक जा, ओके अर्शिया गर्ग क्या जाएगा, गर्ग साहब आवाज नहीं आ रही, हेलो ओके ओके नेटवर्क एरर, ओके ओके तनिश क्या जाएगा भाई, सर 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई, 3 पाई बाय 4 ये वाला आ गया और उसके बाद n पाई। अच्छा भाई एक और चीज, तू आगे जा रहा 3 पाई बाय 4, इससे अच्छा है तू पाई बाय 4 पीछे भी आ सकता था तब भी माइनस 1 जाता है, समझ बात, हां जी हां जी, मैं ये भी बोल सकता हूँ माइनस पाई बाय 4 प्लस n पाई या फिर 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई, दोनों चलेंगे बात समझ, हाँ तो दोनों में से कोई भी लिख सकता कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेंगे, दोनों अच्छे सारे के सारे एलिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है। हाँ राजवीर आवाज नहीं आ रही थी, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कंपैरिजन करना था। अच्छा अब ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक, जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो चीज आ रही है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें दोबारा खुद एनालाइज करनी है, ए टू जेड जो मैंने चीजें बोली हैं, इसमें काफी डाउट आ सकते हैं तुम्हें, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो गई ना तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसके बेसिक फॉर्मूला है वो सारे के सारे हमारे एक साथ ही कवर अप हो जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम थर्ड लेक्चर से इसका सारा का सारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर लगेंगे, ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये अगेन बेस बहुत अच्छे से बनाएगा हमारा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर मैंने बताया है ना, इसको प्लीज ध्यान से देखना, ये 3-3 वैल्यू जो हमने साइन कोस टेन के देखे, इन तीनों को ढंग से एनालाइज करना, ठीक है। चलो डन, थैंक यू।